दहला देने वाली खबर। सीमांचल एक्सप्रेस हादसा, हादसे की दहला देने वाली कहानी चश्मदीदों की जुबानी। बिहार के जोगबनी से नई दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल जा रही सीमांचल एक्सप्रेस रविवार तड़के दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में 7 लोगों की मौत बताई जा रही है तो वही 2 दर्जन लोग से घायल बताए जा रहे हैं। हादसे में ट्रेन के 11 कोच क्षतिग्रस्त हुए हैं। यह हादसा सुबह 3:58 पर सहदेई बुजुर्ग में हुआ। रेलवे प्रशासन की ओर से कहा गया है कि ट्रेन में फंसे सभी लोगों को निकाल लिया गया है। कई चश्मदीदों ने रेल हादसे की दिल दहला देने वाली कहानी बयां की है। एक महिला ने बताया कि लोग नींद में थे, उसी दौरान तेज आवाज हुई और हम लोग सीटों से गिर पड़े। हर कोई चिल्ला रहा था, लोग मदद के लिए आवाज लगा रहे थे। चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था। कुछ लोग बुरी तरह से घायल पड़े हुए थे। उनके मुताबिक मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। चश्मदीद के मुताबिक उसने खुद कई लोगों को बुरी अवस्था में ट्रेन के अंदर से लोगों द्वारा बाहर निकालते हुए देखा है। एक चश्मदीद ने बताया कि अचानक तेज झटके के साथ ट्रेन पलट गई। हर तरफ सामान और पैसेंजर एक दूसरे के ऊपर गिरे हुए थे। कुछ लोगों के शरीर से खून निकल रहा था। काफी देर कोई मदद नहीं मिली। पास के गाँव के लोगों ने शीशे तोड़कर को बाहर निकाला। हमारे साथ के लोगों को चोटें आई है। इसी बीच रेलवे मंत्री ने मुआवजे का ऐलान किया है। रेलवे हर मृतक के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देगा। घायलों को 1 लाख रुपए दिए जाएंगे और मामूली चोटे वालों को 50,000 दिए जाने का ऐलान किया गया है। सभी यात्रियों के चिकित्सा के व्यय रेलवे द्वारा वहन किया जाएगा। घटना के बाद NDRF और रेलवे की रिलीफ टीम तुरंत पहुंचकर राहत एवं बचाव दल लोगों को निकालने में जुटी है। सीमांचल एक्सप्रेस का एक जनरल कोच सहित एक AC कोच, B3, 3 स्लीपर कोच, S8, S9, S10 के अलावा 4 अन्य बोगिया पटरी से उतर गई। राहत बचाव कार्य के लिए सोनपुर और बरौनी से ART टीम को रवाना कर दिया गया है। हादसे के बाद बछवाड़ा हाजीपुरा सिंगल लाइन पर परिचालन रद्द कर दिया गया है। तो MNS न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारी न्यूज की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें।